नमस्कार, आज सुमेर हेल्थ एंड वेलनेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल हिमालयन आयुर क्योर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अवनीश उपाध्याय। आज हम आयुर्वेद में प्रयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण औषधि अणु तेल के विषय में बात करेंगे और यह अनुसंधान आधारित औषधि है और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आधुनिक अनुसंधानों में आए हैं और यह कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी महामारी को भी कंट्रोल करने में प्रभावी साबित हुई है। इस औषधि के घटकों के विषय में, इसकी प्रयोग विधि और इसको कितने समय तक हम प्रयोग कर सकते हैं, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की भी जानकारी मिलती है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में अणु तेल से नस्य कर्म का विशेष महत्व है। नस्य कर्म नाक और गले में मजबूत सुरक्षा कवच बनाकर सभी प्रकार के संक्रामक श्वसन विकारों से सुरक्षा प्रदान करती है। अणु तेल के निर्माण में दिव्य जड़ी बूटियों जैसे सफ़ेद चंदन, अगरू, तेजपात, दालचीनी, नागरमोथा, अनंत मूल आदि का प्रयोग किया जाता है। इसलिए या इन औषधियों के गुणों के कारण श्वसन संस्थान के विकारों में बहुत अच्छी लाभकारी होती हैं। अणु तेल की 2 से 3 बूंदें दिन में 3-4 बार ली जा सकती हैं और यह नस्य कर्म कुछ दिनों तक लगातार किया जा सकता है। अणु तेल श्वास संबंधी बीमारियों के अलावा अन्य कई प्रकार की बीमारियों में भी लाभदायक होता है। अणु तेल के प्रयोग से शरीर में होने वाली सूजन यानी इन्फ्लामेशन कम होती है। अणु तेल शरीर में पैदा होने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोककर शरीर की रक्षा करता है। कफ दोष से होने वाली बीमारियों अर्थात शरीर में कफ दोष में नियंत्रण करके यह श्वास नली को क्लीन करता है और शरीर में संतुलन स्थापित करता है। अस्थमा रोग में इसका प्रयोग करने से यह अस्थमा के अटैक्स को कम करता है और इससे तनाव और अवसाद में भी कमी आती है। सिर दर्द और माइग्रेन जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में भी यह बहुत अच्छा प्रभावशाली औषधि है। किसी कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में प्रतिदिन नियमित रूप से नाक में अणु तेल डालने से शरीर स्वस्थ रहता है, चेहरे पर झुर्रियों में कमी आती है, गंजापन बालों की समस्या भी दूर होती है, बालों को सफ़ेद होने से यह रोकता है। इसके साथ ही सिर दर्द, पक्षाघात यानी पैरालिसिस में, राइनाइटिस में, मानसिक विकारों में और त्वचा विकारों को भी रोकने में सहायता करता है। थकान को दूर करके दृष्टि में सुधार लाता है यानी यह विजन को भी अच्छा करता है। इसके साथ ही यह दांतों में भी शक्ति लाता है और दांतों की वृद्धि में भी सहायक होता है। कोरोना काल में अणु तेल पर हुए विभिन्न अनुसंधानों में भी अणु तेल कोरोना वायरस के खिलाफ बहुत प्रभावी पाया गया है। पतंजलि द्वारा हाल ही में किए गए एक शोध में ब्लैक फंगस डिजीज के विरुद्ध भी अणु तेल का प्रयोग बहुत प्रभावशाली पाया गया है। अणु तेल फंगस के ऑक्सीडेटिव स्टेट को प्रभावित करता है। अणु तेल फंगस के स्पोर्स को जर्मिनेट होने से रोकता है। साथ ही यह स्वस्थ कोशिकाओं को फंगस से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पतंजलि के इस अनुसंधान में पादपों की वैदिक वर्गीकी को संस्कृत भाषा आधारित देवनागरी लिपि में पहली बार प्रकाशित किया है।
अणु तेल के नुकसान या साइड इफेक्ट्स के बारे में अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन अणु तेल के प्रयोग से पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक है। अगर वीडियो आपको लाभकारी लगता है तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।